हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है और इसको यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करना है और क्यों यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका अलग अलग नेम है। इसको आप बिनवर्ड भी कहते हैं, एमएस वर्ड भी कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं, जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना हो गया, लेटर तैयार करना, रिपोर्ट, रिज्यूम इत्यादि, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिखना होगा तो भी बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो प्लस आर और यहाँ पे रन कमांड ओपन होगा, इसमें आपको लिखना है विनवर्ड। ये विनवर्ड हो गया, जैसे आप इंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये तो ओपन हो गया, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका हम फिर देखते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे आप स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, आपका ये वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आता है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे देखो, बता भी रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन जो डिफ़ॉल्ट रहता है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल रहती है डॉक्यूमेंट वन के नेम से आपको दिखाएगा। और यहाँ पे एक बटन आता है, इसको हम कहते हैं क्लोज, यहाँ पे रिस्टोर एंड मिनिमाइज। मिनिमाइज जब आप करेंगे तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी रनिंग में है बैकग्राउंड में, वो एप्लीकेशन इस तरह मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इस तरह मिनिमाइज होके कहाँ पे आ गया, टास्क बार में। ये जो एरिया होता है एक टास्क बार होता है, जो भी हमने एप्लीकेशन ओपन किया रनिंग में चल रही है तो इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है और ये आपका पूरा डेस्कटॉप होता है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं फोल्डर, फाइल, एप्लीकेशन, इसको हम आइकन बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, इस सर्च बार होता है, इसमें क्या होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन नेम फोल्डर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड, अगर हम यहाँ से विनवर्ड ही ओपन करें तो यहाँ पे आप वर्ड भी लिखोगे तो यहाँ पे देखिए आ गया नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये तीन पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जो हम पढ़ रहे हैं ये वर्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया, स्टार्ट बटन से हमने भी बताया। अब आते हैं हम अपने इसको वर्ड में। अब यहाँ पे टाइटल बार हो गया और यहाँ पे ये देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन आपको यहाँ से चाहिए होते हैं ये यहाँ पे हम टिक करके ला सकते हैं। जैसे आप, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये चीज़ आ रहा है, हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से टिक करके हटा सकते हैं। इसका यूज क्यों करेंगे, जैसे हमें न्यू लेना है तो न्यू का यूज कहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके तब जाके ये आता है। इसी तरह हमें न्यू लेना है तो क्या हम सिंपल यहीं पे आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने एक यहाँ पे कस्टमाइज किया है, इस टूल बॉक्स को हमने कस्टमाइज किया है। तो एक्सेस क्यूक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको रखनी है यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आता है, नीचे आप आएंगे, ये होता है मेन्यू बार, ये जो पट्टी है पूरी इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। और ये होता है ऑफिस बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इसको अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये देखिए इसको हम रिबन बोलेंगे, रिबन ये होता है और ये कभी कभी हाइड भी हो जाता है, जो इस तरह मिनिमाइज द रिबन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह ये देखिए रिबन हाइड है। तो इसको हमें फिर से ओपन है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे स्टिक को हटा देंगे तो इससे क्या होगा, ये आपका रिबन फिर से आ जाएगा।
और ये देखिए यहाँ पे रूलर भी आता है, लेकिन यहाँ पे रूलर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे व्यू में आएंगे और यहाँ पे रूलर पे टिक कर देंगे। तो ये देखिए रूलर आ गया। रूलर का काम क्या होता है, रूलर ये आपके जो पेज होते हैं इसको नापने का काम करता है। जैसे स्केल होता है, स्केल से आप पेज को या किसी भी चीज़ को नापते हैं, तो इसी तरह ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको नापने के लिए यहाँ पे एक स्केल होता है जिसको हम रूलर बोलते हैं। अब रूलर में यहाँ पे देखिए एक दिखा रहा है लेफ्ट इंडेंट और यहाँ पे राइट इंडेंट। इसका काम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इंडेंट जहाँ से लगा है यहीं से वो वर्ड टाइप करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ टाइप कर लीजिए, यहाँ से देखिए जूम इन होता है, इस तरह बड़ा किया हमने, यहाँ पे हमने लिखा लर्न स्टडी, ये हो गया लर्न स्टडी। ये लिखा टाइप कहाँ से हो गया, लेफ्ट इंडेंट जहाँ से शुरुआत हुआ है। तो ये चीज होता है इंडेंट जहाँ से लगा रहता है वहीं से स्टार्ट होता है, और इसका जो खाली स्थान होता है ये होता है उस पेज में छोड़ने का एरिया जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन क्या काम करता है, पेज का एरिया को छोड़ता है। तो यहाँ से आप जो भी एरिया छोड़ना है यहाँ से इस तरह करेंगे। अब आते हैं इस फाइल को हमें मान लीजिए सेव करना है। ये देखिए ये स्क्रॉल होता है, इसे आप ऊपर नीचे के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में क्या होता है, एक पेज है पेज वन और यहाँ पे वर्ड टू है, ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज है, इस तरह ये आपको दिखाएगा। अब ये मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, इसको हम सेव करते हैं। तो यहीं पर आएंगे, यहाँ पे है सेव, इसका शॉर्ट की क्या है कंट्रोल एस, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी ये ड्राइव लोकेशन ओपन होगी जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी, अभी हम ये डेस्कटॉप पे रखते हैं, डेस्कटॉप कौन सा होता है, डेस्कटॉप आपका ए होता है। तो ये आपका पूरा एरिया डेस्कटॉप हो गया, तो इसी पे हम उसको सेव करते हैं। अल्ट टैप करके हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अल्ट टैप से क्या होता है, जो एप्लीकेशन है स्विच करके आप एक से अगले में जंप कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्ट प्लस टैप दबाएंगे तो जो मिनिमाइज है तो वो क्या होगा, जो टास्क बार में है एक से आप अल्ट टैप करके आगे जा सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे देखिए इस फाइल को हमें सेव करना है, तो हमने डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ पे लिख दिए लर्न स्टडी और यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक किए, अब देखिए ये जो यहाँ पे सबसे पहले नेम दिखा रहा था वो नेम हट गया, अब दिखा रहा है लर्न स्टडी। पहले डॉक्यूमेंट वन था, अब यहाँ पे लर्न स्टडी। यानी जब भी आप किसी फाइल का नेम सेव करेंगे उस फाइल को, तो उसका क्या होगा नेम यहाँ पे शो करेगा जो उस फाइल का नेम होगा। तो ये चीज यहाँ से आप करेंगे। और सबसे पहले बात यहाँ पे आएंगे, ये देखिए बैक स्पेस से आप, जैसे गलती से हमसे टाइप हो गया जिससे हम बैक स्पेस से वापस आ सकते हैं, ये चीज है। अब यहाँ पे आएंगे, फिर हम न्यू लेते हैं। न्यू क्यों लेंगे, क्योंकि एक हमारा डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो गया, हमें दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम यहाँ पे न्यू का यूज करेंगे। न्यू कब यूज करेंगे, क्योंकि आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए शॉर्ट की भी है कंट्रोल एन, आप कंट्रोल एन करेंगे तब भी हो जाएगा। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट, तो इससे क्या होगा एक नया डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टू नाम से आ गया, क्योंकि एक हमने बना रखा था, अब ये दूसरा हमें वहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ से इस तरह अगर आपको कोई नया पेज लेना है तो आप फिर से एक नया पेज ले सकते हैं कंट्रोल एन। अगर आपको यहाँ से फिर उस फाइल को ओपन करना है जो आपने पहले से सेव किया है, तो इसके लिए है क्या है ओपन, ओपन पे कंट्रोल ओ करेंगे शॉर्ट की से, इस पे जब आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपको वही लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पे आपने सेव किया है। जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे, तो डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे क्या नाम था लर्न स्टडी, हाँ यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करिए, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया डेस्कटॉप सेलेक्ट ही नहीं है, अब डेस्कटॉप सेलेक्ट हुआ, अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आइए नीचे आइए, ये देखिए लर्न स्टडी यहाँ पे है, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ से ओपन।
तो ये क्या होगी, लर्निंग स्टडी की फाइल ओपन होगी। तो ये चीज अब इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया 001, ये हमारा चैनल के नेम है, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हमेशा हर सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं अगले टॉपिक पे, यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे सेव हो गया। इसके बाद सेव एज है। सेव एज क्या करता है, जो आपकी फाइल पहले से सेव है उसी का डुप्लीकेट तैयार करता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेव एज पे आप क्लिक करेंगे, अब आपको देखो इसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, सेव एज कब करें, सेव कब करें, सेव एज यूज कब करोगे। जैसे आपकी फाइल पहले से सेव है, अब इसका हमें डुप्लीकेट चाहिए। डुप्लीकेट क्यों चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ये हमने डेस्कटॉप पे रखा है, अगर कोई आके इसको डिलीट कर देता है तो हमारे पास कोई बैकअप फाइल नहीं रहेगी इसकी, तो इसीलिए हम इसको सेव एज करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी देखो ये बता रहा है यूजर लेनवेयर डेस्कटॉप पे, मतलब ये क्या है, डेस्कटॉप पे अभी सेव है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से दूसरी लोकेशन दे दिया, यहाँ से सेव, यहाँ पे आएंगे, इसको क्या किया हम दूसरी लोकेशन दे दिए, अभी यही बता रहा डेस्कटॉप पे ना। तो यहाँ से जब आप इसको सेव एज करेंगे, मान लीजिए हम ई में रखते हैं, सी में रखते हैं, सी में हमने रखा या किसी और ड्राइव में आप रख सकते हो, यहाँ पे जो भी ड्राइव सी में ही हम रखते हैं, और यहाँ पे लर्न स्टडी की जगह हमने वन कर दिया और यहाँ से सेव किए। अब ये देखेंगे लर्न स्टडी यू डोंट हैव परमिशन द लोकेशन, यानी हमने जो लोकेशन दी है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये किसी भी फोल्डर को आप चूज कर लीजिए, यहाँ से अभी हम नो करते हैं और नीचे आते हैं, टाइटल का फोल्डर ले लेते हैं, इसी में हम सेव करते हैं। ये देखिए सेव हो गया लर्न स्टडी वन। पहले क्या था, लर्न स्टडी था जो आपको यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे है, लर्न स्टडी यहाँ पे, और वो जो वन की फाइल है वो अलग है। यहाँ पे फाइल में आते हैं, फाइल में आए, यहाँ पे क्या था, सी में क्लिक करिए, और यहाँ पे था आइटल में ना, आइटल में देखो यहाँ पे हमने सेव किया था। ये भी देखो यही फाइल सेम है। तो ये देखिए एक वो फाइल थी डॉक्यूमेंट जीरो के नाम से, और यहाँ पे लर्न स्टडी वन। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फाइल हो गई। तो इस तरह हमारा अगर एक भी डिलीट हो जाता तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम उसको ओपन करते हैं बिंदु आर, और यहाँ पे बिन वर्ड इंटर। अब ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इसमें और भी ऑप्शन है जैसे सेव एज, ये देखिए प्रिंट है। पहले यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के लिए यहाँ पे एक कोड आप टाइप कर सकते हैं इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। तो ये देखिए पैराग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पे आएंगे ऑफिस में, यहाँ पे मिलेगा प्रिंट। प्रिंट जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। अब आप अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये आप चूज करेंगे प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर आपका है, देन यहाँ पे आएंगे पेजेस पूछ रहा है कितने पेजेस को आपको प्रिंट करना है, आपको करंट करना है। करंट मतलब अभी तो आल पे था, तो मतलब जो है इतने यहाँ पे पेज रहेंगे वो सबको प्रिंट करेगा, और करंट पेज मतलब जो एक्टिव पेज है, जैसे ये हमारा अभी देखो चल रहा है ये जो पेज है, तो सिर्फ ये एक्टिव पेज को जिस पे हमारा कर्सर है उसको ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पे पेजेस है, जो पेजेस के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको 2, 4, 6 इस तरह मान लीजिए हमें क्या करना है, पांचवा पेज प्रिंट करना है, फिर 8 नंबर का पेज को प्रिंट करना, इस तरह कॉमा करके करेंगे पेजेस पे आके। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ 5 नंबर के पेज को प्रिंट करेगा, 8 नंबर पेज को और 9 नंबर पेज को, इस तरह ये प्रिंट करेगा। और एक दूसरा तरीका, अगर आपको जैसे सीरियल वाइज हमने पेजेस पे क्लिक किया, हमने कहा कि भैया 5 से 10 नंबर तक पेजों को प्रिंट कर दीजिए, मतलब उसके
इधर उधर वाले पेजेस को प्रिंट मत करिए। तो यहाँ से क्या होगा, आप ये 5 से स्टार्ट करेगा और 10 नंबर तक जाएगा। तो इस तरह आप दो रीजन दे सकते हैं किस तरह आपको प्रिंट करना है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉपी है, नंबर ऑफ कॉपी आपको कितनी कॉपी चाहिए इन पेजेस की। तो अभी एक है, अगर हमें इसकी 10 कॉपी चाहिए, 10 लोगों को देना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 10। और यहाँ पे देखेंगे कलेक्ट ऑप्शन है जिस पे टिक है, इसको अगर आप हटाते हैं तो क्या करेगा, पहले वन पेज का 10 कॉपी निकालेगा, फिर सेकंड पेज जो आएगा उसकी 10 कॉपी निकालेगा। तो इसके हिसाब से करें, अगर हम इसी कलेक्ट पे कर देंगे तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 5 का 10 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह निकालेगा, फिर इसके बाद स्टार्ट करेगा, इस तरह 10 बार वो निकालेगा। तो ये चीज होता है, एक होता है कलेक्ट के मतलब आपको पूरी सीरीज एक तैयार करके देगा और एक बिना तैयार किए देगा। तो यहाँ से ये चीज हो गया, ओके करते हैं। और यहाँ पे प्रिंट प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए जो आपका पेपर है उसकी यहाँ पे साइज बता रहा है, A4 ए जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। ओरिएंटेशन या लैंडस्केप कैसा है, पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज और लैंडस्केप तिरछा पेज, जो यहाँ पे अभी ये देखिए पोर्ट्रेट पेज है, जैसे आप लैंडस्केप करते हैं तो ये देखेंगे, ये देखिए लैंडस्केप यहाँ पे दिखा दिया ना। तो इस तरह अगर आपको कैसे पेजेस को रखना है, और पेपर टाइप में प्लेन पेपर कई तरीके के आते हैं, एक प्लेन पेपर होता है और भी अलग अलग तरीके के, ये देखो फोटो पेपर, अलग अलग पेपर होते हैं। तो ये अभी हमारा सिंपल जो व्हाइट वाला पेपर होता है प्लेन। क्वालिटी में आप कैसे रखने चाहते हैं, स्टैंडर्ड कि हाई रखना चाहते हैं, इस तरह अगर नॉर्मली अगर रखना है आपको तो स्टैंडर्ड रखिए। ड्राफ्ट मतलब रफली लाएगा, ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिवर्स दिया है, इस तरह आप इसको ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये सेटिंग हो गई, और यहाँ से ओके जैसे करेंगे तो ये देखिए इसमें अभी कोई प्रिंटर नहीं लगा है हमारा, ये देखिए पिशन का बता रहा है तो नॉट रेडी है अभी। तो इसको आप अगर लगा रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अभी लगाया नहीं है हमने प्रिंटर। और यहाँ पे आते हैं फिर प्रिंट के बाद, यहाँ पे क्विक प्रिंट जो हमने वहाँ पे सेटिंग की है उसका क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। जैसे हमने 5 पेज दिया था तो 5 पेज आएगा, और भी जो पेजेस हैं वो सब आएंगे इस तरह। और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, उसका जो हमें हमारा प्रिंट निकलने वाला है उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि कैसा प्रिंट आने वाला। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है कि ऊपर से देखो कितना एरिया छोड़ रहा है, इतना एरिया ऊपर से लेफ्ट राइट। तो ये क्या है, मार्जिन सेट किया गया है, ये जो है इस पर मार्जिन लगाया गया है। तो ये चीज होता है कि किस तरह आपको मार्जिन सेट, इस तरह आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि कहाँ से कितना आपका पेज छोड़ रहा है। और नीचे देखेंगे आके इस तरह स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं है। ये चीज होता है प्रिंट प्रीव्यू चेक करना कि कैसा हमारा प्रिंट होके आएगा। और भी यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू में क्या दिया, प्रिंट प्रिंट ऑप्शन जो वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन मतलब जो इसका एरिया होता है जो छोड़ रहा है। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए नॉर्मल में कितना एरिया छोड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मल लेंगे, नैरो लेंगे तो 1.27 सेंटीमीटर चारों तरफ से लेगा, ठीक। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कितने मार्जिन हमें रखनी है। कस्टम मार्जिन में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ये जो एरिया है जो छोड़ रहा है इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी इतना इस पे है 2.54 सेंटीमीटर, हमने कर दिया इसको 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्या होगा कि 3 सेंटीमीटर वो लेगा वहां पे, और यहाँ पे हमने कर दिया टॉप से लिया, यहाँ पे टॉप से हमने इसको भी दे दिया। यहाँ पे हमने रख दिया 3 सेंटीमीटर, टैप किए, यहाँ पे लेफ्ट से हमने रख दिया 0.5, टैप, यहाँ पे हमने कर दिया, देखो यहाँ पे सट गया ना। तो ये चीज होता है। और अगर हमें कम करना होता है शिफ्ट टाइप करके हम वापस आते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर, देखिए। तो ये होता है कि सेट करने के लिए, अभी देखेंगे आप
ओके किए, देखो फिक्स एंड पेज ओके। ये देखो सेंटीमीटर नया लिखा गया था, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर दे दीजिए। देखिए ये हो गया ना ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको किस तरह रखना है ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्जिन के बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मतलब सीधा, लैंडस्केप मतलब तिरछा, जो इस तरह लैंडस्केप तिरछा और पोर्ट्रेट सीधा। यहाँ पे आप थोड़ा इसको कम कर देंगे ज़ूम में, ठीक। अब इसको हम लैंडस्केप करते हैं। ये देखिए ये जो पेपर है हमारा लैंडस्केप हो गया है, देखिए इस तरह। और यही जब सीधा करेंगे तो यहाँ से, और ये देखिए साइज आता है इसमें, साइज में क्या आएगा, इस तरह बहुत सारी साइज होती है पेपर की। तो यहाँ से आप साइज को चूज कर सकते हैं, जो आपको साइज चाहिए, हमें जो साइज चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी साइज मिलेंगी। तो A4 जो नॉर्मल सभी यूज करते हैं वो कौन सा होता है, A4 साइज। तो यहाँ पे देखो बता रहा है A4 की साइज जो है 21 सेंटीमीटर × 29.7 सेंटीमीटर। तो ये होती है A4 साइज की, पेपर की साइज। तो यहाँ से आप जो नॉर्मली सब यूज करते हैं A4 पेपर, और यहाँ से ओरिएंटेशन को हम पोर्ट्रेट सीधा रखते हैं, तो ये सीधा पेज हो गया। ये जूम के लिए है, आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं कितना परसेंट। अभी 200% पे क्लिक कर देंगे तो अभी क्या होगा, 200% जूम हो जाएगा। तो ये हो गया जूमिंग का। और यहाँ पे देखेंगे 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे वन पेज, तो वन पेज दिखाई देगा, टू पेजेस पे करेंगे टू पेज। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में ये ऑप्शन जो ओपन हुआ है ये चीज है, तो पेज विड्थ मतलब पेज की चौड़ाई के साथ आपको दिखाएगा। देखिए इधर हमने मार्जिन जो कम किया था, यहाँ से मार्जिन कम हो गया। सो रूलर जो दिख रहा है इसको आप हाइड कर दोगे तो हट जाएगा। और यहाँ पे मैग्नीफायर, मैग्नीफायर मतलब जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है तो मैग्नीफायर ही है, आप इसको हटा दीजिए। देखो ये हट गया, नहीं तो क्या जूमिंग वाला दिखा रहा था। तो ये मैग्नीफायर अगर आप टिक कर देते तो यहाँ पे आप माइनस प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज अगला रहेगा तो उस पर आप नेक्स्ट करके जा सकते हैं, लेकिन है नहीं। और यहाँ से प्रीवियस, तो ये चीज होता है आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। इससे समझ में आया कि प्रिंट प्रीव्यू करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक। ये प्रिपेयर है, इसका कोई इतना काम नहीं है। और सेंड ईमेल, इससे सेंड ईमेल कर सकते हैं अगर ऑनलाइन, अगर आपका नेट वगैरह है। ये पब्लिश मतलब एक आपका कोई डॉक्यूमेंट या ब्लॉग है उस पर आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस तरह अगर आपको जो चीज़ें करनी है ऑफिस बटन में होता है। फिर आते हैं यहाँ पे होम मेनू, ये होती है पूरी पट्टी मेनू बार की, जिसमें अलग अलग रिबन होते हैं। रिबन में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। एक ग्रुप क्या करते हैं, अलग अलग उनके काम है अपने। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इसको हमें यहाँ पे देखेंगे, ये जो पेस्ट, कट, कॉपी, ये सब हाईलाइट नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। देखो क्लिक कर रहे हैं, यूज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है इस तरह। जब ये माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है कॉपी और कट भी है, जिसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एक्स। जैसे कट करेंगे तो वो वर्ड वहाँ से कट जाएगा, कट गया ना। और ये देखिए अब हाइलाइटर ये हट गया। अब इस वर्ड को आप जहाँ पे, ये देखो जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो इस कर्सर को आपको उस स्थान पे लाना है जहाँ पे आपको पेस्ट करना है। हमने देखो यहाँ पे ला दिया और इंटर करेंगे, लाइन ब्रेक हो गई। अब यहीं पे अगर हमें इसको पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे उस वर्ड को ला सकते हैं। देखिए वहाँ से हमने क्या किया, कट किया और यहाँ पे ला के उसको पेस्ट कर दिया। तो इसका यूज तब करेंगे जब हमारे डॉक्यूमेंट से कहीं से किसी वर्ड को हटा के कहीं और पे ला के पेस्ट करना हो, यानी उस वर्ड को रखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब एक कॉपी भी होता है, देखिए यहाँ पे जो कॉपी ऑप्शन है, कॉपी क्यों करेंगे, क्योंकि यही चीज मान लीजिए ये जो लाइन है एक,
इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ तक, तो पूरी लाइन हो गई। अब इसी लाइन को क्या करना, हमें एक नीचे भी चाहिए या एक ऊपर भी चाहिए। हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, इसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल सी। अब इस लाइन को हम यहाँ से आते हैं, इसके नीचे रखते हैं और यहाँ से इंटर करके लाइन ब्रेक, और यहाँ से इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब देखिए वो लाइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे, कट करते तो ये यहाँ से हट जाती, तो ये जो कॉपी होती है उसको आप मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंटर किए हैं कंट्रोल वी, शॉर्टकी से देखो कंट्रोल वी कर रहे हैं, देखो पेस्ट हो रहा, तो ये चीज़ होता है, आप शॉर्टकी से भी कर सकते हैं और किस तरह भी करना है। तो यहाँ से इस तरह आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हैं, फॉर्मेट वो चीज़ होता है जो ये फॉर्मेटिंग, मतलब जो ये टेक्स्ट है फॉन्ट है इस पर कोई फॉर्मेटिंग आप लगा दीजिए। मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको, यहाँ से देखिए इसकी स्टाइल चेंज होगी, तो यहाँ से आपको जो स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल ले लीजिए। हमने ये स्टाइल ले लिया और यहाँ से उसकी साइज आप सेट कर सकते हो, टेक्स्ट की साइज बड़ी कर सकते हैं, हमने साइज बड़ी कर दी। और इससे देखो ये क्या है, ग्रो फॉन्ट, इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा, जो शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, इससे क्या होगा कंट्रोल, आप कीबोर्ड से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेस देन करेंगे छोटा होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमने इसको किया और यहाँ पे देखिए बोल्ड दिया है, बोल्ड का मतलब मोटा करना, जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए मोटा हो गया, थोड़ा हटाएं हट गया। तो ये चीज़ मोटा करने के लिए आपको सेलेक्ट करके ये सब काम करने होंगे। इटैलिक मतलब तिरछा है, ये देखिए तिरछा हो गया, और यहाँ पे अंडरलाइन दे देते हैं, अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन लग जाएगी इस तरह, देखो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। हमने क्या किया, यहाँ पे आके इस लाइन को ब्रेक कर दिया, इंटर कर दिया। अब ये क्या हुआ, एक हेडिंग बन गई ना, देखिए अब देखिए ये जैसे लग रहा है एक हेडिंग बन गई। तो इसी हेडिंग की बात कर रहा है, मान लीजिए हमें क्या करना है, एक न्यू हेडिंग यहाँ से बनानी है, एक हेडिंग बनानी है जैसे ऊपर वाली बनी है। तो हम इसमें जब कर्सर लाएंगे, तो अब देखो बता रहा है इसकी साइज 18 की गई है, इसकी फॉन्ट अलग चेंज किया गया है, और यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज किया गया है। अब इसी को क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। अब देखिए ये क्या किया, अब देखो ब्रश जैसा बन रहा है। तो अब ब्रश को हमें उसी पे घुमाना होगा जिसको हमें उस पर फॉर्मेट लाना है, तो हमने इसको क्या किया, घुमा दिया। तो अब देखिए ये जो ये भी उसी तरह एक हेडिंग बन गया। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो कॉपी करता है, ठीक। तो इस तरह ये कॉपी करेगा और यहाँ से आप साइज वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग अंडरलाइन दिया है, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से हमने इसको इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, सिर्फ इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अंडरलाइन अलग अलग यहाँ पे देखो दिया है। तो इस तरह जो अंडरलाइन आपको चाहिए इस तरह आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर अंडरलाइन कलर है, कलर भी आप यहाँ से अलग दे सकते हैं जिस भी कलर में आपको अंडरलाइन चाहिए। तो यहाँ से ये चीज आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपका गलत है, जैसे यहाँ पे होम लिखा हमने कर दिया हैं, है? तो ये वर्ड हमारा गलत है, इसको हमने सेलेक्ट करेंगे। अब देखो कीबोर्ड से अलग सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करें शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के हमारा कर्सर जहाँ है हमें होम को सिलेक्ट करना है, जो हेम लिखा है गलत है, तो हम यहाँ से शिफ्ट और राइट एरो कीबोर्ड का प्रेस करेंगे इस तरह, देखो सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे इसको हम क्रॉस का निशान दे देंगे, इससे क्या होगा कि ए वर्ड को दिखाएगा गलत है, देखिए ये क्या हुआ, ए वर्ड दिखा रहा ना गलत है। तो ये चीज होता है कि आप स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है सुपर स्क्रिप्ट ना, सुपर स्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोई फार्मूला, जैसे हमने लिखा H2O, ये फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें जो 2 है देखो 2 को ये जो
2 है, मान लो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए साइज बड़ी हो गई। अब यहाँ पे जो 2 है इसको हम सेलेक्ट किए हैं, इस तरह शिफ्ट दबाएं और राइट एरो, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप करेंगे इसको नीचे, ये नीचे रहता है ना, तो ये देखिए इस तरह ये फॉर्मूले बनाने के लिए काम आता है। तो सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट जब आपको लगाना होगा तो यहाँ से इस तरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक आता है सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं जैसा, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या करें स्क्वायर के लिए, जैसे हमने 2 का स्क्वायर देना है, हमने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया स्क्वायर पे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। इंटर करते हैं, अभी देखो ये लगा है, इसको हटा के जैसे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे देखो लिखा रहता है, जैसे ये 10th लिखा है, लेकिन जो TH है ये सबसे ऊपर रहता है, मतलब ये उसके ऊपर रहेगा। तो इसको हमने क्या किया, शिफ्ट दबाया, राइट एरो से दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको ऊपर कर दिया इस तरह, ये देखिए ऊपर होगा। ये आपको इस तरह अगर करना होगा आप इस तरह यूज कर सकते हैं फॉन्ट का। और इसी तरह आप आते हैं यहाँ पे देखेंगे, एक है चेंज केस। चेंज केस में होता क्या है, जैसे देखिए ये यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं देखो ये रॉन्ग दिखा रहा है। केस जो सेंटेंस केस होता है उसका क्या होता है, ये जो आई है एक कैपिटल लेटर रहेगा और इसके बाद सभी स्मॉल लेटर। यहाँ पे जैसे देखो एक सेंटेंस है इसका, ये देखो कैपिटल लेटर है ना, अगर यही चीज हम इसको यहाँ से हटा के वाइस शॉर्ट में कर देते हैं, अब देखेंगे ये गलत दिखाएगा देखो। तो ये चीज होता है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए उस पैराग्राफ को और यहाँ पे आएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिक उसको कैपिटल लेटर में कर देगा। ये देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यू जो था वाई था कैपिटल, यहाँ पे आई को भी कैपिटल लेटर कर दिया। तो ये चीज होता है कि सेंटेंस केस को, अगर ये चीज सही है तो आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए, ये पूरी लाइन हट जाएगी जो रॉन्ग दिखा रहे। और अगर हमें इसको भी हटाना है जो इस पे हमने स्ट्राइक थ्रू लगाया था, सेलेक्ट किए और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू बंद कर दें, तो ये चीज सही हो गया। और यहाँ से वर्ड को आप सही कर सकते हो, तो ये चीज होता है सही करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे अलग अलग सब है, आप सिलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक तो सेंटेंस केस लगाए थे, एक लोअर केस है। लोअर केस क्या करता है कि उसको छोटा कर देगा, देखिए सब छोटा कर दिया। और यहाँ पे अपर केस, ये सबको बड़ा कर दिया कैपिटल लेटर में। और ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का एक वर्ड कैरेक्टर कैपिटल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आइटम में ऑन डेट आर। तो इस तरह आप सेंटेंस केस से केज वाइज आप यहाँ पे टूगल केस, मतलब इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल और सब कैपिटल, तो यहाँ से ये चीज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये हाईलाइट कलर दिया, जैसे आपको कोई पॉइंट सही है तो यहाँ से आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप बुक वगैरह में हाईलाइटर का यूज करते हैं, सेम इसी तरह आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज हाईलाइट हो गया। तो इस तरह अगर हमें यूज करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर क्या होता है, जैसे आप इस टेक्स्ट को किसी और कलर से देना चाहते हैं, अभी तो ब्लैक है, हमने क्या किया यहाँ पे इसका कलर रेड कर दिया, तो ये क्या हुआ, तो रेड कलर में हो गया। तो ये चीज अगर आपको फिर से इसको हटानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हुआ और यहाँ से उस चीज को आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो हट जाएगा। फिर से लगाना होगा तो आप यहीं से आके उसको लगा सकते हैं जो भी कलर देना। और इसी तरह हाइलाइटर कलर को भी आप हटा सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपको नो कलर, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नो कलर, तो ये देखिए हट गया। तो ये चीज, और यहाँ पे एक दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या कर देगा, ये जो भी इस पे सारी फॉर्मेटिंग लगी है उसको क्लियर करता है। जैसे इसमें देखिए टेक्स्ट को बड़ा किया गया, यहाँ पे सेंटेंस केस वगैरह, ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग, ये ही होती है फॉर्मेटिंग। जैसे आप क्लियर करते हैं, यहाँ से हमने क्लियर किया, कुछ नहीं पड़ा क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, ये जो क्या है पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्मली था इस तरह हो गया। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो
और वीडियो को लाइक करें, और इसका सेकेंड पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।